दोस्तों यह है अमेजन बेसिक्स का DSLR कैमरा बैग। कितने रुपए का है, कितना इसमें जगह है, कैसा अंदर से दिखता है, उसके अलावा आप इसमें क्या क्या रख सकते हो और कैसी इसकी स्ट्रेंथ वगैरह, ये सारी बातें इस वीडियो में हम करेंगे। अभी ये अमेजन बेसिक्स पे यदि हम अमेजन की वेबसाइट पर जाके देखें तो इसकी प्राइस लगभग है 1300 रुपये। और जो इसका इंटीरियर है वो है ग्रे कलर का। दो इंटीरियर में था, दो साइज़ है, मैंने मीडियम साइज वाला मंगाया है। इसमें एक तो है पिंक और एक है अपने ग्रे, तो मैंने ग्रे वाला मंगवाया है। अब अंदर से इसको मैं खोल के दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है। तो दोस्तों अब अपने इसको लिया है खोल और ये है इसकी शानदार कॉम्पैक्ट सी पैकिंग। अच्छी पैकिंग के साथ इसको भेजा है अमेजन ने। और अब यदि इसको बाहर निकालें तो इसके अंदर एक पॉलीथीन और है, पॉलीथीन के अंदर इसको पैक किया हुआ है। कॉम्पैक्ट साइज़ है लगभग इसकी, यदि इंटीरियर साइज़ की बात करें तो 10 इंच है, हाइट 7 इंच है और चौड़ाई 4 इंच के आसपास इसकी है। अब दो आप जो भी इंटीरियर आपको देखना हो आप एक बार अमेजन की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं कि करंटली क्या प्राइस चल रही है, अवेलेबल है कि नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये मीडियम साइज है, इसमें एक लार्ज साइज़ भी आता है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अब इसको देखते हैं, ये है बाहर एक जिपर, इसमें अपन रख सकते हैं जैसे चार्जर के अलावा चार्जिंग केबल और भी जैसे इनके लेंस का जो कवर होता है वो भी अपन यहाँ पे रख सकते हैं। कैमरा का जो कवर होता है जहाँ पे लेंस लगाते हैं वो वाला, वो भी अपन रख सकते हैं। ये है शोल्डर स्ट्रैप और इसमें अंदर इन्होंने बना कर दिए हैं 3 कंपार्टमेंट। ये कंपार्टमेंट की संख्या हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, क्योंकि ये रिमूवेबल है, इनको आप हटा भी सकते हो। और ये फोम का बना हुआ है तो ऐसा अच्छा सपोर्ट कैमरे को इसमें मिल जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। एक यहाँ पे एक भी जिप है जो मेमोरी कार्ड वगैरह भी रख सकते हैं। उसके अलावा दो हालांकि डेडिकेटली दिए हुए हैं, इनमें भी अपन मेमोरी कार्ड वगैरह रख सकते हैं। क्वालिटी वाइज ये बैग अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत कमज़ोर है, काफ़ी अच्छा है, मजबूत है और ये सारी चीज़ें एकदम ऐसी हैं कि ये लंबे समय तक चली जाएंगी। प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया है अभी मेरे को लग रहा है। ये साइड में आप कोई भी यदि ट्राइपॉड वगैरह लटकाना हो उसके लिए दिया हुआ है। ये शोल्डर बैग जो अपने जो शोल्डर स्ट्रैप है इसकी लेंथ भी कम ज़्यादा हो सकती है, इसको अपन लंबा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें एक क्या क्या अपन रख सकते हैं। मेरे पास है कैनन का 80D, तो वो इसमें आ जाएगा। उसके अलावा उसका जो लेंस है वो आ जाएगा, चार्जर बैटरी वो सारी चीज़ें इसमें अपन रख सकते हैं। तो यह है कैनन का EOS 80D जिसके साथ आया है लेंस 18-135mm वाला। तो मैं ऐसा कुछ बैग देख रहा था जिसमें मेरा कैमरा बॉडी आ जाए, लेंस आ जाए और उसके साथ यदि इन फ्यूचर में दूसरा कोई लेंस खरीदूं तो वो भी इसके अंदर एडजस्ट हो जाए, जो ज़्यादा भारी भी ना हो। और मेरे को पीछे लटकाने वाला बैग नहीं चाहिए था, इसलिए मैं शोल्डर बैग ढूंढ रहा था। तो ये लेंस, इसके अलावा कैमरा बॉडी और अपने जो भी इक्विपमेंट साथ में हैं उसके, जैसे चार्जर है और चार्जर केबल है, ये सारी चीज़ें इसमें आराम से रखी जा सकती हैं। कंपार्टमेंट है, इनको आप अंदर से हटा सकते हो, जैसे रिमूवेबल है, तो इनको आप चाहो तो 2 कंपार्टमेंट बना सकते हो, चाहो तो 3 कंपार्टमेंट बना सकते हो। मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ। ये दोनों फॉर्म रिमूवेबल है, इसको हटा के इसको सीधा भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इसमें कैमरा यदि रखना है तो वो भी रख सकते हैं, और चाहो तो इनको अपने हिसाब से कहीं भी अपने डिस्टेंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप बड़ा कंपार्टमेंट बना सकते हो, छोटा बना सकते हो, या तीनों बराबर के भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने अब बना दिया एक कंपार्टमेंट बड़ा और मैंने एक साइड कैमरा रख दिया, दूसरे साइड में लेंस रख सकता हूं, बैटरी रख सकता हूं, दूसरी चीज़ें कुछ भी रख सकता हूं। ठीक है, तो यदि आप बजट बैग कोई ढूंढ रहे हो तो बजट बैग के हिसाब से ये अच्छा DSLR कैमरा बैग अवेलेबल है। आप लिंक पर जाके इसको देख सकते हो, इसके और भी ऑप्शन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काम का होगा, क्योंकि मैं भी एक कम्पैक्ट और बजट बैग देख रहा था, ज़्यादा महंगा मेरे को नहीं लेना चाहिए था, मैं 1000-1200 रुपये के आसपास देख रहा था, तो मेरे को अच्छा ऑप्शन लगा। उम्मीद करता हूँ आपके लिए भी ऐसा ही कुछ होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ।